जी मेरा नाम वजाहत खान है, मैं मुंबई से हूँ, कल्याण से। तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, असर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई तो आवाज उठा रहा है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी एक नेक दिल आदमी है, ठीक है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन वो जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जुड़ना ही चाहिए। और मैं खास भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुंबई से यहाँ पे आया हूँ। भाजपा वाले कह रहे हैं भारत टूटा कहाँ से? नहीं, तोड़ रहे हैं ना सर, अब न्यूज नहीं देखते? अब न्यूज नहीं देखते? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पैजामा यही। आपको अगर नहीं सुनिए, आपको अगर विकास टूटा कब? भारत टूटा कब? तोड़ने की कब टूटा? हिंदू उठा ही नहीं। 1949 से आते भारत टूटा कब? भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से आई? मीडिया नहीं है, कहीं टूटा ही नहीं। तो ये यात्रा गलत कर रहे हैं कि भारत जोड़ो कैसा टूटा? टूटा ही नहीं। गुजरात में जो लड़ाई लगा है हिंदू मुसलमान, भारत नहीं। आप शांति डिबेट देख लो, भाई 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 भाई, एक चीज कहूंगा, प्लीज प्लीज की पॉइंट हिंदू में टॉक, प्लीज हाथ जोड़ के सबसे विनती है, प्लीज की पॉइंट हिंदू में टॉक। अंडरस्टैंड? एक एक बोलिए, एक एक आदमी बोलिए। मैं ये चीज कह रहा हूँ, सब लोग चुप्पा रह गए, मेरी प्लीज बात सुने, कृपया ध्यान दें। हिंदू वाटा सारे, हिंदू वाटा धरती बाटी, इंसान बाटे के बांट सके आसमान को। इंसान जो है अगर आसमान को बांट के दिखा दे उसे हम इंसान कहते हैं। आसमान को बांट के दिखा दो, ये बताइए, जब मैं मानूं इंसान है। बताइए कि इलेक्शन इलेक्शन आते ही ये मुद्दे कैसे आ जाते हैं? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हम लाते हैं तो आप सुनिए, अब मेरी भी सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए अब, अरे सुनिए एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है, तो वो क्या था? तब हिंदू मुसलमान कौन करता? नहीं, वो इस बात के लिए बोला गया है क्योंकि क्योंकि जो सुनिए सुनिए उसका जवाब सुन लीजिए। जो भाई छोटा होता है, जो भाई छोटा था उसके उसके लिए ये बोला जाता है कि भाई, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारा इस देश में हक नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में बोला गया था। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें मुसलमानों को दे दी जाए, ये बोला गया था। लेकिन आज जो है मीडिया में जानबूझ के किया जा रहा है, जो मौलाना और जो पंडित लाके जो बहस कराई जाती है वो सारे लोग उन्हीं के लोग हैं, पैसे दे के आते हैं। और एक बात ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विकास में अपने कॉन्फिडेंस है तो एक इलेक्शन हो जाए जो सिर्फ विकास की बात होगी, जिसमें पाकिस्तान पैजामा और ये नहीं होगा। केजरीवाल अपना विकास बताए, उनके मैनिफेस्टो में था, अपनी बात बताएंगे। वो पहले ही कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो उनके मैनिफेस्टो में था, तो वो क्यों नहीं बताएंगे जनता? नहीं ठीक है ना, आपने किया है ना, अब आप उस पे ही इलेक्शन लड़ना चाहते हो और उसी पे रोटियां सेकना चाहते हो। आप विकास की बात करते हो, आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हो? आपने कहा था 15-15 लाख आएंगे, आपने कहा था 2022 तक सबको घर मिल जाएंगे, मुझे तो मिला नहीं, आपको मिल गया होगा तो बता दीजिए भाई लोग, किसी को मिल गया? मैं बोलूंगा सर, सारे लोग शांत रहेंगे, मैंने सुना, मेरी भी सुनेंगे। चाइना जो था, चाइना किसी टाइम में था, इतनी जनरेशन पूरे वर्ल्ड में, चाइना फर्स्ट है वर्ल्ड में, उसने एक जनरेशन पे लगा दिया था, ठीक है, उसने कब्जा करा, एक बच्चे पे पैगाम लगा दिया, दूसरे बच्चा पैदा करने पे वो जब फ्रीडम हुआ, एक होता फ्रीडम एक होता स्वतंत्र, जब वो हुआ तब उसने दो बच्चे पैदा करने की इजाजत दी। इंडिया में ऐसा कौन है जो कोई एग्री हो जो दो बच्चे पे ही आज नागरिकता खत्म कर दे? सर एग्री करो, एग्री करो, एग्री करो, दो बच्चे पे नागरिकता खत्म कर दे। समानाचार संहिता आली नागरिक, एक शादी होनी चाहिए, तीन तीन बीवी 15 बच्चे नहीं चले, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा भाई? भाई भाई सुने सुने भाई, जवाब तो देने दो, जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो, भारत जवाब तो सुन लो, जवाब सुन लीजिए, एक मिनट जवाब, आपने बोला आप जवाब सुनिए, भारत देश में भारत बिल्कुल वो करेंगे, दो तीन बच्चे हो जाएंगे मोदी जी पैसे उनको, बीजेपी वालों के नहीं है, बीजेपी वालों के बच्चे नहीं है, दो बच्चे हैं, दो दो औरतें बता दूं बीजेपी वालों की, अरे दो बच्चे हैं, दो कुछ नहीं। भारत देश में संसाधनों की कमी नहीं है और सारे लोग जो है सबको रोजगार मिल सकता है, लेकिन मोदी जी की पॉलिसी ऐसी है कि सिर्फ अडानी और अंबानी जो बड़े संपन्न लोग हैं उन्हीं को हर चीज दी जा रही है। इसके अडानी अंबानी 14 के बाद ही पैदा हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, सुनिए अरे सुनिए, क्या अडानी अंबानी 14 के बाद ही पैदा हुए हैं? अभी राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस अडानी अंबानी को गाली देते हैं उसी अडानी को बुला के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे, कह रहे कि आइए हमारे यहाँ रोजगार दीजिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, देश में दूसरा उद्योगपति नहीं है? दूसरा उद्योगपति
नहीं है, हर चीज डिफेंस कैसे दे सकते हैं आप? मतलब की अंबानी को डिफेंस कैसे दे सकते हैं आप? हर चीज में अडानी है अंबानी। क्या चीज के जैसे बच्चे ज्यादा होने के बारे में बात करें तो वो तो कम होंगे तभी सुख शांति आएगी। अगर ज्यादा रोजगार तब होता है पर मोदी जी नहीं दे रहे रोजगार, ऐसा कुछ नहीं। तो उससे पहले मोदी जी नहीं थे तब कितने जन को था? सर एक किसी ना मोदी जी ने दिया रोजगार, किसी ने नहीं दिया, दुनिया ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम इंडिया के लिए देखा, क्या बम हमने नहीं थे? उनके बड़े पिता बड़े भाई वो आज भी छाता बनाते जब एक्सपायर हुए थे, उन्होंने क्या दे दिया अपने भाई को? ये तो आप कुछ दिया लोगों को पूछो। उन्होंने क्या दिया? वो कभी भी जातिवाद ना मोदी जी ना एपीजे अब्दुल कलाम देश के लिए मर गए, किसी ने कुछ नहीं किया, खाली देश के लिए जनता के लिए सब कुछ करा। बताइए कोई किसी नहीं दे सकता है, जो भी करना स्वयं करना पड़ेगा। मोदी जी को देना चाहिए ना रोजगार, मोदी जी को देना चाहिए रोजगार। मान लीजिए मोदी जी ने रोजगार दिया और हम कर ही नहीं सकते हैं तो रोजगार किस काम के लिए? स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर को स्वयं बनना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे खाना मिल गया और खाना खा सकते नहीं है, हाथ नहीं चलाएंगे तो खाना कैसे आएगा? मुझे मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री ने उद्योग योजना निकाला है, अल्पसंख्यक पे 10 लाख का दे रहा है पैसे, मान लीजिए वो दे दिया और मैं कुछ कोई काम ही नहीं कर सकता हूँ तो पैसा लेकर मुझे क्या काम? मुझे तो बोल रहा है मोदी दे रहा हूँ, ठीक। वो तो कह रहे हैं अंबानी अडानी का फायदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो गरीबों के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए अल्पसंख्यक हिंदू कोई भी है, जाति में बांट रहे हैं पैसे। तेजवीर सिंह, तेजवीर जी ये जो यात्रा चल रही है 24 की राहुल गांधी, लग रहा है यात्रा का कुछ होगा नहीं होगा? अब ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी रही रोजगार की बात, जो करने योग्य है उसके लिए रोजगार है, जो नहीं करना चाहता घर बैठ के मुफ्त खाना चाहता उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। वो कह रहे मोदी जिम्मेदार है रोजगार के लिए, मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं, करने वाला होना चाहिए। अरे क्या दिक्कत है बताइए, इनके पास शुरू से भी मैं बोल रहा हूँ, अगर 3-4 आदमी का पास हिंदुस्तान का सारे पोरोपोटी चला जाएगा, जैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ राज किया था ऐसे हम लोग को रोटी के लिए था, किसी लिए वो लोग जैसे बोलेगा वैसे सामान का दाम बढ़ेगा, जैसे अभी पेट्रोल डीजल का दाम जैसे। आप भी बेरोजगार है क्या बताइए? बेरोजगार है आप भी? बेरोजगार, अरे इंसान तो कबड्डी सोलो सोलो कबड्डी चुन के भी इंसान खा लेता, बेरोजगार दुनिया में कोई नहीं, ना कांग्रेस का टाइम में था ना बीजी के टाइम। चिल्ला चोट क्यों मचा रहे की बेरोजगारी बढ़ गई? जे हम लोग को जो प्रॉपर्टी है अंबानी को ऐसे 3 आदमी का प्रॉपर्टी सारे दे देगा और वो लोग जो बोलेगा वही देश में होगा, बाकी आदमी का बस तो कुछ नहीं आएगा नहीं। फिर है तेल का दाम कोई भी सामान का दाम वो लोग का हुक्म में चलेगा, हमारा हुक्म नहीं चलेगा। जैसे अभी तेल का पेट्रोल का दाम कैसा है, हाँ गैस का सिलेंडर कैसा है, तो इसीलिए ब्रिटिश जैसे राज कर रहा है। ये जो पी के आए हैं कितने का क्वार्टर पी के आए? कौन आप? मेरा मुंह में बहुत बदबू आ रहा है। कहाँ बदबू आ रहा है? आपकी आंखें भी बहक रही है, ऐसे ऐसे टिमटिम आ रही है। कोई अगर बात कौन बोल रहा है बदबू आ रहा है? क्वार्टर पी के आए या सिलेंडर महंगा बता रहे हैं? बताइए भाई साहब, आ रहा है देखिए 150 का क्वार्टर पी के आए हैं भाई साहब, लेकिन सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा है, 150 का क्वार्टर डेली पी रहे हैं, सिलेंडर महंगा है तो पिएगा नहीं इंसान? खाएगा पिएगा। अरे वाह ताली बजा भाई साहब के लिए। तो पिएगा नहीं? 15 लाख रुपए मोदी दिए और ये दारू पिएगा 150 रुपए। दारू बंद कराने के लिए मोदी को, मोदी को बहन चौधरी है यहाँ पे, बंद क्यों नहीं कराए दारू? दारू क्यों नहीं देने? अभी चलेगा तो हम पिएंगे। इनकम होती है सरकार को सबसे ज्यादा, अल्कोहल नहीं सरकार को। चलिए ठीक है, धन्यवाद।